जो कंसल्टेंट हैं सेफ सिटी प्रोग्राम यूएन वुमेन के लिए, हमारे बीच में हैं शुभेंदु चतुर्वेदी जो आईएएस साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के रूप में कार्य कर रहे हैं, हमारे बीच में हैं पंकज वर्मा जो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, और ये लोग कार्य कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में। श्रीमान निश्चल झारिया जी हमारे बीच आएंगे जो आईपीएस हैं, और जैसे ही हमारे लोग उपस्थित होते जाएंगे 15 मिनट हमारे भी उपस्थित हो जाएंगे। कार्यक्रम में अपने हिसाब से अलग तरीके से नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय ही डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज को पढ़ाता हूँ, उसी का विद्यार्थी हूँ। हम लोग जब राष्ट्रीय सुरक्षा संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो देश को दो प्रकार के खतरे उपस्थित होते हैं, एक बाह्य खतरा और एक आंतरिक खतरा। और जब बाह्य खतरे की बात होती है तो मनी लॉन्ड्रिंग या इंटरनेशनल जो लिंक बने हुए हैं जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई बात हो रही है तो साइबर टेररिज्म यदि हम कहें, साइबर क्राइम कहें, समाज के परिवार से लेकर समाज राष्ट्र प्रदेश में विभिन्न विभिन्न जगहों पर विभिन्न सेक्टर पर, वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आपका एटीएम हो या आपका पर्सनल डेटा हो, यदि ये कहीं पर भी हो रहा है जिसके अंदर सबसे बड़ी घटना न्यूज होने लगती है कि रॉ के भी डेटा यदि चोरी हो जाते हैं, नेवल स्टाफ के डेटा चोरी हो जाते हैं, और आप एक गोल्ड का कोई गहना खरीद कर जाते हैं ज्वेलर के यहाँ, आपको दूसरी एक मिनट के अंदर दूसरे ज्वेलर के यहाँ से मैसेज आ जाता है कि आपका हमारे यहाँ स्वागत है। इसका मतलब जो डाटा चोरी हो रहा है, आपका डाटा बेचा चला जाता है, आप एक जगह जो घटना करते हैं वो लीक हो रहा है, डाटा लीक हो रहा है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल हैक हो रही है, बड़े बड़े संस्थानों के डाटा हैक हो रहे हैं, हैक होने के बाद उसमें क्या हो रहा है, फिर उसमें फिरौती मांगी जाती है। पहले डाकू होते थे, लोग अपहरण करते तो फिरौती मांगते थे। ऐसी विभिन्न विषय है, और विभिन्न विषय कहते हैं मैं बोलूंगा तो कोई मकसद नहीं, लेकिन दो लाइन बोलूंगा तो उस गजब के दो शेर बोलता रहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम मुझे चलाना है तो मैं दो शेर बोलूंगा। सबसे पहले इसको समझना, ये कार्यक्रम कायदे से बच्चियों के लिए, ये कार्यक्रम बूढ़ों के लिए, लेकिन जो बच्चियां हैं रोज हम पढ़ लेते हैं कि पापा मुझे माफ कर देना, भैया राखी में राखी बांध देना, ये क्यों होता है? क्योंकि जब उसकी फोटो किसी के पास आ जाए, जब वो अपने पर्सनल फोटो कैमरा लगा के जो वेबकैम लगता है उसके द्वारा किसी के साथ शेयर करती है पर्सनल फोटो, वो अपने बेडरूम में बैठी लेकिन उसके फोटो कहां जाकर शासन ने एक बड़ी व्यवस्था कर दी कि 10 और 12 साल के बच्चे बैठे आपस में मोबाइल देखते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या ये लोग प्रभु का आगमन देख रहे थे, ठीक है, हनुमान चालीसा का चालीसा की डायलॉग पढ़ रहे थे, ये क्या देख रहे हैं उस बेंच में बैठे, अगले बगले सब बैठे को क्या देखते हैं, वो ये क्या बांटते हैं कि वैसा देख के ज्ञान बांटते जिससे समाज रसाता है आनंद। मत बुरा उसको कहो, मत बुरा उसको कहो, दिल से वो अच्छा भी नहीं, मत बुरा उसको कहो, दिल से वो अच्छा भी नहीं, वो ना होता तो गजल में कभी कहता भी नहीं। आगे सुना, जानता था कि सितम कहे, लड़कियां जानती, जानता था कि सितम कहे मगर क्या कीजिए, जानता था कि सितम कहे मगर क्या कीजिए, अरे दिल लगाने के लिए और कोई था ही, आज जैसा बेदर्द है वो, जैसा बेदर्द है वो फिर भी जितना महबूब, जैसा बेदर्द है वो फिर भी जितना महबूब, ऐसा कोई ना हुआ, ऐसा कोई होगा भी नहीं। और ये कब होता है, जब उसको बाध्य होना पड़ता है अपने प्राण देने के लिए, समाज में गिरावट के लिए, जब वो शेयर कर डालता है कोई उसकी पर्सनल।